महाशिवरात्रि बहुत महत्व रखती है आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए, साथ ही साथ उनके लिए भी जो ग्रस्त जीवन में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। जो ग्रस्त जीवन में है वे महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह के उत्सव के तौर पर मनाते हैं, पर साधकों के लिए यह दिन वो है जब शिव जी कैलाश पर्वत की तरह स्थिर और निश्चल हो गए थे। योगी परंपरा में शिव जी को आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। अनेकों सालों के ध्यान के बाद एक दिन भगवान शिव पूर्ण रूप से स्थिर हो गए और वो दिन महाशिवरात्रि का ही था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए, इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता के रूप में मनाते हैं। आत्म अवलोकन की रात्रि महाशिवरात्रि। जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।